गुड मॉर्निंग गाइस। आज यार बहुत लेट से सो के उठा यार, 9 बजे उठा हमने। मतलब कल रात तक मूवी देखी थी 1 बजे तक, तो हमने सोचा यार थोड़ा देर तक सो लेते हैं। मैं सुबह को उठा था एक्चुअली, बट फिर सोना समझा मुनासिब समझा, मैंने सोया यार। फिर अभी अभी उठा, मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूँ, तो एक बना ले रहा हूँ वीडियो यार। ये देखो हमें, हमारा ये पीछे हॉस्टल है, 4th फ्लोर तक हॉस्टल है। और बाकी यहाँ पे हम खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। देख सकते हैं धूप बहुत हो गई यार, आंख में पकड़ रहा है, देख सकते हो। ये रहा हॉस्टल, इधर का भी ये रहा है सब। ये देखो यार, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे अभी। सबसे नीचे से कुछ ऐसा व्यू रहा हमारा हॉस्टल का, देख सकते हैं 4th फ्लोर तक है ऐसा व्यू। ये रहा हमारा हॉस्टल का गेट, हम अभी बाहर जा रहे हैं, हम अभी बाहर जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये रहा बॉयज़ हॉस्टल, ये हमारा कैंटीन, और इधर डिप्लोमा ब्लॉक के जाने की रास्ता। और देख सकते हैं आप लोग, पूरी थोड़ा सा दूर है बट डिप्लोमा ब्लॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, किसी दिन वहाँ पर भी लेके चलेंगे आपको। ये रहा हमारे हॉस्टल के पानी की टंकी, और बाहर का व्यू ऐसा रहा हमारे मेरे बॉयज़ हॉस्टल का, देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम कॉलेज से गेट एंट्री करते हैं तो हमारे हॉस्टल जाने का ये रास्ता है, देख सकते हैं आप, ये वाला रास्ता है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, सबसे बड़ी खतरा ये बनी रहती है कि ये हाई वोल्टेज तार ना वहाँ पे, मतलब हमारे ग्राउंड में लटकी रहती है। कभी बोल जाता ना, हमें डर लगता है, चिड़चिड़ टाइप की आवाज़ आती रहती है। और ये रहा CSE ब्लॉक, इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और इसका गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं। और ये रहा पूरा ब्लॉक, देख सकते हैं, अच्छी बहुत खूबसूरत है ब्लॉक, देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये वाला, ये ब्लॉक रहा CSE ब्लॉक। जब हम हॉस्टल से आएंगे तो इधर से हमारे जाने का कैंटीन का रास्ता, यहाँ पे हमें हम खाना खाते हैं तीनों टाइम का, दोपहर का, रात का, सुबह का ब्रेकफास्ट सब यहीं पे खाते हैं। और ये रहा हमारा कॉलेज का कैंटीन, मतलब जब पढ़ाई होती है ना, क्लास ओपन रहता है, तो सारे बच्चे यहीं पे मतलब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या फिर दोपहर का भी खाना खाते हैं। यहाँ पे कैंटीन है बहुत अच्छा, यहाँ पे आंटी सर्व करती हैं सारा चीज़, यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर सारा चीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है, चाउमीन वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे रहा बैठने का जगह, मतलब यहाँ से कुछ भी लेंगे खाने का तो यहाँ पे आके बैठ के खा सकते हैं। और एक पार्क टाइप के भी, यहाँ पे सुकून ही अलग है भाई, देख सकते हो। ये पे एक कुत्ता भी यहाँ आराम कर रहा है, देख सकते हैं। और बैठने का कुछ अलग ही है, अच्छा है जो भी, बट अच्छा है। ये रहा डाइट ब्लॉक, डाइट ब्लॉक का मतलब यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, ठीक। यहाँ पे पानी भी मिलती है, प्योर वाटर मिलेगी यहाँ पे आपको हमेशा। अब यहाँ पे वाटर भी आके ले सकते हैं और यहाँ पे पानी पी भी सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये 3rd फ्लोर तक है, ऊपर लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी देख सकते हैं आप, जब वहाँ से आके बुक इश्यूज करा सकते हैं, बुक ले भी सकते हैं, ठीक है। और ये रहा थोड़ा सा पार्क है, जो भी है अच्छा है, खूबसूरत है। यहाँ 4th फ्लोर तक है, हम आपको 4th फ्लोर तो में नहीं लेके जाएंगे। ये रहा हमारा कॉलेज का पूरा लोकेशन रहा, देख सकते हैं पूरा कॉलेज का लोकेशन। अभी धूल वगैरह बैठ गया है तो इतना अच्छा नहीं बन पाया, सारे डिपार्टमेंट है इसमें, देख सकते हैं आप, धूल हो गई है यहाँ पे यार। ये रहा हमारा फार्मेसी ब्लॉक, हम यहाँ पे भी चलेंगे अभी। और अभी हम आपको लेके चलते हैं, बहुत खूबसूरत ब्लॉक है, देख सकते हैं, दोआबा फार्म बिजनेस स्कूल। ये रहा बिजनेस, मतलब यहाँ पे बिजनेस की पढ़ाई होती है, BBA इसको बोलते हैं, BBA की पढ़ाई होती है यहाँ पे, और अच्छी पढ़ाई होती है। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बाय द वे कुछ भी हो सकता है, मतलब है क्या, अच्छी पढ़ाई होती है, यह BBA रहा, ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अभी हमने आपको बोला कि डाइट ब्लॉक में, ये हमारा डाइट ब्लॉक, ये भी खूबसूरत ब्लॉक है, अच्छा है देखने में, बट यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे आप एडमिशन लोगे ना तो मुझे मैसेज करो, इसका मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊँगा आप एडमिशन लेने के लिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊँगा, आप कम पैसे में कैसे करा सकते हो ये मैं आपको बताऊँगा। अभी हम चल रहे हैं फार्मेसी ब्लॉक की तरफ, ये है गार्डन, और गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, बट है क्या, यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स है नहीं, आज कॉलेज बंद है, सैटरडे है इसीलिए कॉलेज बंद है, देख सकते हैं। इधर भी थोड़ा सा
थोड़ा सा गार्डन है बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे सुकून ही अलग है। हम इसको अंदर में लेके चलेंगे आपको अभी कुछ देर, थोड़ी देर बाद लेके चलेंगे। देख सकते हैं आप ये, यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं गेट के सामने, बट उससे पहले आपको फार्मेसी का दिखाएंगे और डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों दिखाएंगे आपको। ये रहा इधर का कुछ व्यू और ये रहा कुछ इधर का व्यू। अब्बा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जड्डाइट, यहाँ पर इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है देख सकते हैं। और हम तो कहेंगे एक बार आप विज़िट कर लो कॉलेज ताकि आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा दोआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का डी फार्मेसी ब्लॉक। डी फार्मेसी ब्लॉक का मतलब है कि अब आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले बात ये हमारा हर्बल गार्डन है। हर्बल गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देख सकते हैं अश्वगंधा का ये पेड़ है, अश्वगंधा का ये पेड़ है ठीक है, ऐसा होता है अश्वगंधा, देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारे हर्बल्स गार्डन पेड़ हैं। ये रहा कुछ फूल्स वगैरह, फूल तो नहीं होगा, कोई मेडिसिन ही होगा शायद, मुझे पता नहीं है। ये हो गया कुछ अलग जो देख सकते हैं आप, हम पार्क के बाद को बताएंगे आपको। ये हुआ अलग पेड़ देख सकते हैं, सारे पेड़ का नाम लिखा हुआ है बट आप देख सकते हैं सारा अलग अलग फूल है भाई। ये सारे मेडिसिन में काम आती है, जो हमारे फार्मेसी में है वो इसकी कंपोजिशन बनती है सारा। फार्मेसी यहाँ पर आके विज़िट करते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं। ये रहा हमारा डी फार्मेसी ब्लॉक डिप्लोमा। हम अंदर क्लास नहीं करेंगे, जैसे बारी भी दिखाएंगे आपको, आउटलुक को हम दिखाएंगे जिसमें हम पढ़ते हैं। बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी ब्लॉक है ये, बैचलर ऑफ फार्मेसी का ये ब्लॉक है। हम इसमें पढ़ाई करते हैं, इसमें हमारी क्लास लगती है और इसमें लैब वगैरह सारे इसी में होते हैं। और इसके कुछ गार्डन्स अलग है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरती है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी जाते हैं और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होती है, क्लास भी लगती है, क्लासेस प्रॉपर लगती है। और है क्या, लैब्स का भी अच्छा कंडीशन है और सारे लैब्स भी लगाते हैं। ये रहा कुछ आउटलुक, हम अंदर नहीं जा सकते हैं अभी, गेट बंद है इसीलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है ना तो इसीलिए आज गेट बंद है। ये हमारा भी ये है गार्डन है, हर्बल गार्डन है। अब इसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हम इसको अंदर थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है अभी। हर्बल गार्डन देख सकते हैं, हर्बल गार्डन लिखा हुआ है यहाँ पे। हम यहाँ का कुछ आउटलुक दिखाना चाह रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारा डी फार्मेसी का ब्लॉक रहा और हमारा ये बी फार्मेसी का ब्लॉक रहा, देख सकते हैं। बी फार्मेसी का आउटलुक इस तरह है कुछ, देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है भाई। आप एक बार विज़िट करो, मैं तो कहूँगा विज़िट करो, देखो अच्छा है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट एक बार घूमने के लिए ज़रूर आओ यार, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी चीज़ें हैं ना वो खूबसूरत है, देखने लायक है, विज़िट करने के लायक है, मैं वो कह रहा हूँ। आप ये भी देख सकते हो, डी फार्मेसी का भी ब्लॉक अच्छा है। हमारे इधर एडमिशन सेल है, यहाँ पे एडमिशन होती है, आप जब भी आओ एडमिशन के लिए तो इधर से आओ, जैसे उधर गेट है, गेट से डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट इधर के लिए जाओ, यहाँ पे एडमिशन सेल है, एडमिशन यहाँ पे होती है, चाहे डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो या बीबी हो, सारा एडमिशन इधर ही होती है। और कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो ए वाले फील्ड में होते हैं फंक्शन वगैरह, जैसे फेयरवेल पार्टी हो गया, जैसे कोई इनोग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे होती है सारा। ये रहा हमारा गेट रहा, कॉलेज का गेट रहा। अभी हम जा रहे थे मतलब थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लिए, बोले तो मतलब कुछ ख़त्म हो गई, ज़रूरत के सामान कुछ ख़त्म हो गई है तो उस चीज़ को लाने के लिए जा रहे थे हम। ये रहा मतलब दोआबा ग्रुप कॉलेज का एम्बुलेंस, कुछ आपातकालीन मतलब अवस्था में हमारे काम आती है। मान लो कि मतलब कोई घटना हो गया, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो बट घटना हो गया, तो हमें मतलब यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है या फिर कहीं पे भी, अदरवाइज अल्लाह ना करे ऐसा घटना किसी के साथ हो। ये रहा हमारा कॉलेज का पार्किंग, अभी का पार्किंग पूरा खाली है क्योंकि आज छुट्टी है, तो मैं सोचा छुट्टी के दिन ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं छुट्टी के दिन ही वीडियोज़ बनाता हूँ ज़्यादातर। और ये रहा हमारा यहाँ पे कॉलेज का एटीएम, और यहाँ पे बाहरी लोग भी आते हैं पैसे निकालने के लिए, जिसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे आके आप कैश ले सकते हो। ये रहा कुछ इस तरह गेट, और
सामने हाईवे है, हाईवे के जस्ट बगल में ही है, नियर में ही है द्वापर गुरु कॉलेज, देख सकते हैं। ये रहा मेन गेट, मेन गेट अच्छा ही है, खूबसूरत है मेन गेट, देख सकते हैं। ये रहा पार्किंग, और सामने भैया वहाँ पे सिकंजी और जूस बेचते हैं, वहाँ पे हम जाके वहाँ के मतलब जूस वगैरह पीते हैं कभी कभी, देख सकते हैं। कुछ ऐसा रहा आउटलुक, ये क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल खेली जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसे यार, वो क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, वो भी खेला जाता है। बहुत सारे खेल हैं हमारे कॉलेज में, वो भी खेला जाता है। कुछ दिन पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट बंदी भी आई थी, एक लड़की आई थी, ठीक है, तो उसको स्कॉलरशिप मिला हमारे कॉलेज की तरफ से। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट भी है तो उस टैलेंट को शो करके आप कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो, अपने बलबूते पे एडमिशन ले सकते हो, बलबूते पे अपने। यहाँ पे हमारा मतलब वो खोली जाती है बास्केटबॉल, यहाँ पे कुछ ऐसा रहा ग्राउंड बास्केटबॉल का, और डी फार्मेसी का ऐसा रहा कुछ व्यूज़ बाहर के, बाहर से आउटलुक ऐसा रहा। अब धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने सोचा यार गर्मी लग गया, तो हम अब दोबारा रूम चलते हैं। हमने तो सारे विज़िट करा ही दी लगभग, आप देख सकते हो धूप कुछ ज़्यादा है। ये रहा हमारा कॉलेज का गेट, और ये रहा इधर का व्यूज़, ऐसा दोबा बिजनेस ऐसा रहा, देख सकते हैं। ये डाइट ब्लॉक रहा मेरे पीछे, बहुत गर्मी लग रही है दोस्त। एक शख्स से मिलाते हैं जो हमारे कैंटीन में रहते हैं अभी, सोनू भाई है, सोनू भाई को देख सकते हैं आप, सोनू भाई बहुत प्यारे हैं हमारे। इस आपको आने का कितना दिन हो गया यहाँ पे? मन हो गए 6-5 साल हो गए, 5 साल हो गया सोनू भाई को आते हुए। और सर्विस मतलब कुछ भी बोले तो मतलब हर एक कॉलेज की काम करते हैं, चाहे खाना बनाना हो या फिर कुछ काम करना हो या फिर मतलब सफाई करनी हो हमारे हॉस्टल की, तो यही करते हैं। अगर अच्छे मेहनती ये बंदे हैं, अपने दिल से करते हैं कुछ भी करते हैं, तो मोहब्बत भी हमसे बहुत करते हैं, क्योंकि है क्या, क्योंकि जब हम हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, ये कैंटीन में रहते हैं, तो मतलब एक बनता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है, एक बॉन्ड सी बन जाती है, तो अच्छा लगता है सोनू भाई से मिलना बार बार, और अच्छे बंदे हैं सोनू भाई। और देख सकते हैं आप इधर हमारा फील्ड है, क्रिकेट फील्ड है, या इधर खेल होती है। और सोनू भाई क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे? वो बढ़िया, ओके, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करो सोनू भाई, हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, लाइक करने के लिए बोलो, थैंक यू। अभी सोनू भाई एक शायरी सुनाने के लिए जा रहे हैं, एक शायरी सुना दो भाई। कैसी शायरी? एक पंजाबी शायरी सुना दो भाई। कौन सी, गाने की शायरी? गाने की भी शायरी चलेगी। कौन सी? कोई सी भी आपको जो याद हो। शायरी का मतलब की हो है? मतलब कोई गाना सुना दो पंजाबी बीच। सिद्धू केड़ा? हाँ सिद्धू मूसे वाला ही सुना दो, सुना दो भाई, फिर सुनाऊंगा बाद में, सुनाऊंगा बाबे खाना। ये रही हमारी कैंटीन, चावल उनके तैयार है, बट यहाँ पर सब विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, रोटी बनने को तैयार मतलब प्रोसेस में है, और स्वामी जी यहाँ पे बना रहे हैं, शायद दाल बना रहे हैं। साफ सफाई की विशेष ध्यान रखी जाती है यहाँ पे, हर एक चीज़ जो है नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको यहाँ पे। और इधर है मतलब हमारा कैंटीन जहाँ पे हम बैठ के खाते हैं, और देख सकते हैं पूरा खाली है अभी, क्योंकि आया नहीं है कोई, और अभी टाइम भी नहीं हुआ है, आधे घंटे बाद सारे बंदे आ जाएंगे, लड़के लड़कियाँ सारी आती हैं यहाँ पर खाने के लिए, सब मैं खाते ही पे। और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह सीन है हमारा कैंटीन का। और स्वामी जी वहाँ पे, स्वामी जी का मतलब कुछ तबीयत ख़राब था, तो वो थोड़ा कम काम कर पा रहे हैं, तो उनका इलाज चल रहा है अभी, देख सकते हैं। क्या हाल है अभी, तबीयत हुआ सही? हाथ किया था देखें, ठीक है ना?